Good morning students, welcome to TSN The School. Today we will do GK Unit 7th, Chapter 34, 36 and 37. So let's start. Students, जो हमारी यूनिट है 7th, ये है मिक्स्ड बैग. इसमें सभी तरह की नॉलेज लेते हुए क्वेश्चंस हैं. जैसे आपने पहले देखे थे साइंस से रिलेटेड थे, कुछ हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, तो अलग अलग यूनिट थी. इस यूनिट में 7th में मिक्स्ड हैं, किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं वो. तो हमारा जो 33 चैप्टर है वो आप सेल्फ करेंगे. उसमें फाइंडिंग द वे होम है, वो आपका एक तरीके से गेम के उसमें दिया हुआ है ये चैप्टर. आपको उसमें जो वे है वो फाइंड आउट करना है, तो ये सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स. तो इसलिए मैं आपको 33 ना करवा के 34 करवा रही हूँ. 34 है वर्ड प्ले. मेक अस मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल विद द लेटर्स इन द व्हील. यूज द लेटर इन द सेंटर इन एवरी वर्ड. वन इज़ डन फॉर यू. स्टूडेंट्स, आपको दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं. आपको हर सर्कल से में दिखाई दे रहे होंगे कि वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ना इसमें. उन अल्फ़ाबेट्स को या लेटर्स को लेते हुए आपको एक वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. आपको एग्जांपल में दिया हुआ है व्हील फर्स्ट में STAR स्टार. इसी तरीके से मैंने आपको और बना के दिए हैं ARE. ये अल्फ़ाबेट हमने रैंडमली लेते हैं, लेकिन होना मीनिंगफुल वर्ड चाहिए. जो भी हम लेटर्स लेके बना रहे हैं स्पेलिंग, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए. ARE EAR RAT रैट, है ना, इसी तरीके से बनाई हुई है. नेक्स्ट रो में देखेंगे REAL रियल, LOSE लूज, LOST लॉस्ट, ROSE रोज. ये स्टूडेंट्स जो भी मैंने स्पेलिंग्स बना के दिए हैं आपको, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आपको व्हील वन में नज़र आएंगे. इन्हीं को लेते हुए मैंने स्पेलिंग्स बना के दिए हैं. आप चाहें तो कुछ और स्पेलिंग भी इनसे बना सकते हैं, पर होने यही लेटर्स चाहिए, इनके अलावा कोई लेटर्स नहीं होने चाहिए. अब थर्ड रो देखेंगे आप SLOT स्लॉट, SHORT शॉर्ट, HAT हैट, SHOE शू. ठीक है ना, तो आपका व्हील वन कम्प्लीट हुआ. नाउ व्हील टू में हम देखते हैं COLD कोल्ड, GOLD गोल्ड, OLD ओल्ड, DOG डॉग. फर्स्ट रो कंप्लीट की हमने. नेक्स्ट GOD गॉड, SLOW स्लो, COW काव, CROW क्रो, WORD वर्ड, DRAW ड्रॉ, ROW रॉ. रो के बाद में है नेक्स्ट और लास्ट है ROAD रोड. ठीक है, तो आप स्टूडेंट चाहें तो ये वाले ही स्पेलिंग्स को राइट डाउन कर सकते हैं, और चाहो तो आप कोई अलग स्पेलिंग से आपसे बन रही हो मीनिंगफुली, तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आपका 34 चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. अब है आपका 36. 35 मैं इसलिए नहीं करा रही स्टूडेंट्स, बिकॉज वो कलरिंग का है, वो आप सेल्फ करेंगे. 33 एंड 35 आप सेल्फ करेंगे. अब है 36 चैप्टर गेम टाइम. Write the first letter of every picture in the box under it to find the name of the picture given in the end. आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाला जैसे आपको दे रखी है, एक रो दी हुई है, इसमें आपको डिफरेंट पिक्स दे रखी हैं. तो जो पिक दे रखी है, जिस भी थिंग की आपको पिक दे रखी है, उसका फर्स्ट लेटर लिखना है, जिससे उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है ना, उससे आप जो वर्ड है उसकी आपको फर्स्ट लेटर लिखना है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. फर्स्ट वाला, फर्स्ट पिक आपको रेड की नज़र आ रही है, तो रेड का आर लिख देंगे, फर्स्ट लेटर है आर. सेकंड आप ऑरेंज देख रहे हैं, ऑरेंज का ओ राइट डाउन कर देंगे. देन क्रो सी, देन काइट के, देन एग का ई राइट डाउन करेंगे, एंड ट्री का टी लिख देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इनके नीचे आपने इनके लेटर्स राइट डाउन कर दिए. अब इनको हम एक साथ कंबाइंड करके लिखेंगे. जो फर्स्ट वाली पिक बनी हुई है ना, उसके बाद लंबा सा ब्लैंक दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है थोड़ा आपको ब्लॉक बना के, तो आपको यही सारे वर्ड कंबाइंड करके लिखने हैं. तो क्या बनेगा वो पूरा वर्ड देखेंगे. ROCKET जो हमने वर्ड लिखे थे उन सारों को कंबाइंड करके लिखेंगे, तो एक नई स्पेलिंग बन जाएगी हमारे पास, आ जाएगी रॉकेट. ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो वर्ड लिखे हैं सही लिखे हैं एग्जैक्टली, बिकॉज जो पिक है वो रॉकेट की शो हो रही है ना हमें,
और स्पेलिंग भी हमारे से देखो हमने बना गई तो वो बन गई। इसी तरीके से देखिए सेकंड में आपको दिखा रखा है लायन का पिक दिखा रखा है ना, तो आप एल लिख देंगे, देन एप्पल तो ए राइट डाउन कर देंगे, देन पैरट, पैरट का पी, ट्रेन है फिर तो टी राइट डाउन कर देंगे, देन आउल तो आउल का ओ, एंड लास्ट में आपको पी पेंसिल दे रखी है तो आप पी राइट डाउन कर देंगे। इसको आपको कंबाइंड करके लिखना है, तो देखिएगा आपकी जो स्पेलिंग बन रही है वो पिक से रिलेट कर रही है या नहीं, मैच हो रही है क्या नहीं, अगर नहीं है तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो थर्ड टू फिफ्थ आप थ्री हैं, थ्री फोर फाइव आप ये सेल्फ करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये इंटरेस्टिंग है, इतना तो आप कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट ही तो लिखना है आपको, फर्स्ट लेटर लिखना है तो, और जब सभी पिक्स के आप फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर्स लिखेंगे तो आपका जो स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगा जो लास्ट में आपको पिक दे रखी है। तो इंटरेस्टिंग है ये, तो स्टूडेंट्स आप सेल्फ करने का ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट, तो अब है आपका चैप्टर 37, आइडेंटिफाई द गेम्स। आपको इसमें गेम्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इनडोर एंड आउटडोर गेम्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि गेम्स दो तरीके से खेले जा सकते हैं, एक तो इनडोर एक आउटडोर। इनडोर होते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के खेल सकते हैं, आउटडोर जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं उनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। तो हमें यहाँ कुछ पिक्स दे रखे हैं इनडोर और आउटडोर के, वो मिक्स हैं, उनमें से जो इनडोर गेम्स हैं उन तो उनमें हमें इनडोर की स्पेलिंग लिख देनी है, और आउटडोर हैं तो आउटडोर गेम्स की जो नेम है उनकी स्पेलिंग राइट डाउन करनी है, और स्पेलिंग हमें हेल्प बॉक्स में मिल जाती है तो उनसे हेल्प लेते हुए हमें राइट डाउन करनी है। फर्स्ट पिक देख रहे हैं हम किसकी है, कैरम। ये एक इनडोर गेम है स्टूडेंट्स, ना घर में बैठ के खेल सकते हैं ना हम इसे। नेक्स्ट है चेस, CHESS, चेस। ये भी एक इंडोर गेम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स। इट इज़ ऑल्सो अ इंडोर गेम। नेक्स्ट है आपका बास्केटबॉल, BASKET, BALL, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ये आउटडोर गेम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हॉकी, HOCKEY, हॉकी। ये भी एक आउटडोर गेम है। नेक्स्ट क्रिकेट, CRICKET। आप सब भी जानते हैं क्रिकेट रूम में तो खेल नहीं सकते हैं ना, बाहर ग्राउंड में खेलना होता है, ये भी एक आउटडोर गेम होता है। नेक्स्ट बैडमिंटन, इट इज़ ऑल्सो अ आउटडोर गेम, BADMINTON, बैडमिंटन। लास्ट है आपकी सेकेंड वाले में स्क्रबल्स, स्क्रबल्स में SCRABBLES, स्क्रबल्स में डबल बी है, इसको आप BB भी करके बोल सकते हैं या डबल बी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी एक पजल टाइप का गेम होता है, ये इंडोर गेम होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपकी थर्ड रो में फर्स्ट वाली जो है पोलो, ये हॉर्स पे खेला जाता है, हॉर्स पे बैठ के प्लेयर खेलता है इसको स्टिक से एक बॉल को, और ये आउटडोर गेम है POLO, पोलो। और लास्ट आपको पिक दे रखी है वो है खो खो, KHOKHO, खो खो। ये दो टीम होती हैं इसमें, ए एंड बी टीम होती हैं और वो इसको खेलती हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक आउटडोर गेम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका ये यूनिट 7th का 37 चैप्टर तक का कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप इसका जो वर्क है नोट डाउन कर सकें अपनी बुक में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।